तो आज मैं एक साउथ कोरियन टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी, स्क्विड गेम, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है अभी तक। तो स्क्विड गेम रिसेंटली नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। इसे डायरेक्ट किया है हुआंग ड्यूक ह्यूक ने और अभी के आईएमडीबी के अनुसार इसे मिला है 8.2 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के शुरू में हम गिहुन को देखते हैं, जो कि अपने मॉम के साथ रहता था। तो आज उसकी बेटी का बर्थडे था, सो उसकी मॉम उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि गिहुन अपने बेटी को आज डिनर पे ले जाए। गिहुन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था और इसी वजह से उसकी वाइफ के साथ 3 साल पहले डिवोर्स भी हो चुका था। खैर, तो गिहुन को अपने बेटी के लिए गिफ्ट भी खरीदना था, इसीलिए उसे और भी पैसे चाहिए था और उसकी मॉम घर चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम करती थी। देन गिहु अपने मॉम की एटीएम कार्ड चुरा कर कुछ पैसे निकाल कर जुआ खेलने चला जाता है। पहले तो वो सारे पैसे हार जाता है, बट बाद में गिहुन 4.5 मिलियन वन जीत जाता है। तो इससे गिहुन बहुत खुश हो जाता है और बाहर आता है, बट बाहर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाता है। एक्चुअली उन लोगों से गिहुन ने पैसे उधार लिया था। गिहुन वहाँ से भागता है और भागते समय वो एक लड़की से टकरा जाता है और फिर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। दिन वो गुंडे भी वहाँ आकर गिहुन से पूछताछ करता है। गिहुन जो जीता उस पैसे को देने ही जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वो वाली लड़की, उसने ही शायद पैसे ले लिया। देन वो गुंडे गिहुन को बहुत धमका कर 1 महीने का वक्त दे देता है और एक एग्रीमेंट पे भी साइन करवाता है, जिसके मुताबिक अगर वो पैसे नहीं दिया तो गिहुन की ऑर्गन्स को बेचकर वो लोग अपना पैसा ले लेगा। देन गिहुन वहाँ से निकल कर एक टॉय शॉप में जाकर टॉय लेने का ट्राई करता है, बट बार बार वो हार रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा उसे हेल्प करता है और गिहुन एक टॉय को जीत जाता है। बाद में गिहुन अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है और उसे एक क्रिस्टल वाली लाइटर गिफ्ट करता है, जो कि उसने ये उस टॉय शॉप में जीता था। गिहुन की बेटी उसे देख कर दुखी हो जाती है, बट वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। गिहुन बोलता है कि वो उसकी अगले बर्थडे पर बहुत अच्छा गिफ्ट खरीद के देगा। देन बाद में गिहुन उसके एक्स वाइफ के पास बेटी को छोड़ देती है। देन घर जाते टाइम मेट्रो स्टेशन पे गिहुन के पास एक सेल्समैन आता है, तो वो गिहुन को एक गेम खेलने बोलता है, जिसे जीतने पर उसे 10,000 won मिलेंगे। तो गिहुन गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोनों के पास एक एक कार्ड था, जो पहले उस कार्ड को मार के फ्लिप कर देगा वो जीत जाएगा। तो शुरू में बार बार गिहुन हार जाता है और पेनल्टी के तौर पे उसे एक स्लैप मिलता है। देन लास्ट में गिहुन जीत जाता है और वो सेल्समैन उसे 10,000 won दे देता है। और ऐसे ही थोड़ी देर और खेल के गिहुन 1,00,000 won जीत जाता है। तो वो सेल्समैन बोलता है कि तुम और भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और भी कुछ गेम को खेल कर। देन सेल्समैन गिहुन को एक कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है, ये बोलकर कि इस गेम के लिए अब कुछ ही सीट बची हुई है। देन घर जाते टाइम गिहुन एक लेडी से मिलता है, जो कि उसके मॉम की दोस्त थी और उसका बेटा भी गिहुन का दोस्त था। गिहुन शॉप में मछली लेने आया था और वो लेडी गिहुन से बात करते करते बोलती है कि उसका बेटा सैंगहू फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ है और वो अच्छा कमा रहा है। गिहुन ये सब सुन के खुश होता है अपने दोस्त के लिए। तो बाद में घर में डिनर करते टाइम गिहुन अपने मॉम को घर चलाने के लिए कुछ पैसे देता है और उसकी मॉम बोलती है कि उसकी बेटी का स्टेप फादर का प्रमोशन हुआ है US में, तो सभी कुछ ही दिनों में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो गिहुन की मॉम बोलती है कि तुम्हें अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहिए। तो गिहुन बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके लिए उसे फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। रात को गिहुन उस कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ था उसे डायल करता है और उस तरफ से कोई बोलता है अगर गिहुन को गेम ज्वाइन करना है तो उसको अपना नाम
और स्ट्रेट बोलना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सीन पे गिहुन के पास एक कार आता है, तो ड्राइवर उसे पासवर्ड पूछता है जो कि था रेड लाइट ग्रीन लाइट। देन गिहुन कार में बैठ जाता है। कार में और भी लोग थे बट वो लोग बेहोश थे और तभी गिहुन को भी बेहोश कर देते हैं। उसके बाद गिहुन एक बड़े से हॉल में जगता है जहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। गिहुन एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नंबर था 1 और गिहुन का नंबर था 456 और इतने ही लोग थे वहाँ पर। गिहुन उस ओल्ड मैन को बोलता है, आपको इतनी एज पे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते थे। बट ओल्ड मैन का कहना था सभी फैमिली सेम नहीं होती और उसे ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। उधर एक 067 प्लेयर को और एक प्लेयर 101 परेशान करता है और वहाँ गिहुन उसे पहचान लेता है, उस लड़की ने ही उसके पैसे चुराए थे। गिहुन जाके उस लड़की से अपना पैसा मांगता है और सभी बहस करने लगते हैं। तभी हॉल का मेन गेट ओपन हो जाता है और वहाँ कुछ मार्क्समैन अंदर आता है और मार्क्समैन सभी को वेलकम करते हुए गेम के बारे में समझाता है और बोलता है सभी को कुछ गेम खेलना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें पैसे दे जाएंगे और वो लोग कुछ वीडियो को प्ले करके उन लोगों को दिखाता है जो कि उस सेल्समैन के साथ खेल रहे थे और उन मार्क्स वाले लोगों को उनकी आर्थिक सिचुएशन के बारे में पता था कि सबको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो लोग सभी को गेम की विनिंग प्राइस दिखाता है जो कि एक बहुत बड़ा कंटेनर था जिसके अमाउंट फर्स्ट गेम के बाद बताया जाएगा और वो मार्क्समैन सबको गेम खेलने से पहले एक एग्रीमेंट को साइन करने बोलता है। एग्रीमेंट में सिर्फ 3 बातें ही लिखा हुआ था। फर्स्ट, कि कोई भी गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। सेकेंड, अगर किसी प्लेयर को गेम नहीं खेलना तो वो उसी वक्त एलिमिनेट हो जाएगा। और थर्ड, अगर प्लेयर वोट करे किसी के ऊपर तो अगर ज़्यादा वोट हो तो उसे माना जाएगा। देन सभी लोगों की फोटोज़ को क्लिक किया जाता है। देन सभी को एक पजल वाली रूम से होते हुए एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है और वहाँ गिहुन को सैंग हू मिलता है, जिसे देखकर गिहुन बोलता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, वो तो फॉरेन में था, एक अच्छी लाइफ जी रहा था। बट सैंग हू तभी कुछ जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ एक ब्लैक मास्क पहना वाला इंसान सभी को गाइड कर रहा था। देन उसे एक फ़ोन कॉल आता है जहाँ वो बोलता है गेम शुरू हो चुका है। देन मार्क्समैन एक टीवी के सामने बैठ के गेम को लाइव देखने लगता है। उधर ग्राउंड में एक बड़ा सा डॉल रोबोट थी और गेम 1 के बारे में बताया जाता है। गेम का नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। तो इस गेम में वो रोबोट ग्रीन लाइट रेड लाइट बोलेगी, जिसमें सभी को रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे आगे बढ़ते हुए टाइमर के पहले बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है, तभी वो लोग पहला गेम जीत जाएंगे। देन गेम स्टार्ट होती है और सभी लोग मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो रोबोट रेड लाइट बोलती है और सभी रुक जाते हैं। बट एक लड़का थोड़ा सा हिल जाता है और तभी फायर की आवाज़ आती है। उसे देखकर और एक लड़का देखने आता है तो वो देखता है कि उसे गोली लगी है। तभी रेड लाइट चल रहा था और वो लड़के के ऊपर भी गोली चलती है और ये देखकर वहाँ पे भाग दौड़ मच जाता है, जिससे बहुत लोग शूट होके वहीं पे मर जाता है। और अब तक सभी समझ चुके थे कि ये गेम इतना भी सिंपल नहीं है जैसे कि उन्हें लग रहा था। देन सभी संभाल कर आगे बढ़ते हैं। एक वक्त पे गिहुन गिरने वाला था बट एक प्लेयर आके उसे बचा लेता है और वो दोनों टाइमर ख़त्म होने से पहले ही उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और जिस जिसने उस लाइन को पार नहीं किया था उन सबको शूट करके मारा दिया जाता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है।
एपिसोड 2 के शुरू में बचे हुए सारे प्लेयर्स उसी हॉल रूम में आ जाते हैं और सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सभी को ये गेम अब नहीं खेलना था। देन मार्क्समैन आकर सबको बोलता है कि वो लोग ऐसे गेम को छोड़कर नहीं जा सकता है। तभी गीहून बोलता है कि एग्रीमेंट पे और भी एक बात लिखा हुआ था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो इसे रोक सकता है। तो ये सब सुन के मार्क्समैन पहले प्राइस मनी को दिखाता है और वो कंटेनर नीचे आता है जिसमें 25 मिलियन वन थे। देन मार्क्समैन बोलता है अगर वो लोग इस गेम को यहीं छोड़ के चला जाए तो ये पैसे मरने वाली फैमिली को मिलेंगे, बट यहाँ पर खेल के जो विनर होगा उसे पूरे 45 मिलियन वन मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं 281 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सभी उस प्राइस को देखकर सरप्राइज थे। देन वोटिंग स्टार्ट होता है, तो कुछ लोग गेम को छोड़ने के लिए वोट करता है और कुछ लोग गेम को कंटिन्यू करने की, और लास्ट में वोटिंग रिजल्ट सेम होता है, बट आखिर में बचा हुआ बूढ़ा इंसान आकर गेम छोड़ने के लिए वोट देकर वो लोग जीत जाते हैं। देन सभी को बेहोश करके उसी जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ से वो लोग आए थे। गीहून उस लड़की के साथ था। जब गीहून उसे अपना पैसा मांगता है फिर वो लड़की भी भाग जाती है। उधर सांगहू अली के साथ ड्रॉप हुआ था, तो अली सांगहू के मोबाइल से एक फ़ोन करता है। देन उसके पास खाने और घर जाने तक भी पैसे नहीं थे, इसीलिए सांगहू उसे कुछ पैसे दे देता है, तो अली थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद गीहून पुलिस स्टेशन में जाकर उस गेम के बारे में बोलता है, बट पुलिस वालों को उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता। गीहून उस कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ था उसे भी देता है, बट अब उसमें कॉल नहीं लगता। देन पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव गीहून को देखते हुए एक ऑफिसर से उसके बारे में पूछता है। उधर गीहून सांगहून से मिलता है। सांगहून का कहना था कि उसके ऊपर 6 बिलियन वन की कर्जा है और वो इसी शहर में ही रहकर अपने मॉम के पास नहीं जाता। देन गीहून अपने मॉम को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पे जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ है और पैरों में भी बहुत घाव है, इसे तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा। देन गीहून की मॉम हॉस्पिटल से जाने लगती है क्योंकि सर्जरी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इस बात से गीहून को भी बहुत बुरा लगता है। देन हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपने मदर से अपने भाई के बारे में बात कर रहा था कि वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्टिव अपने भाई की पुराने हॉस्टल में जाकर उस रूम में एक कार्ड मिलता है और हम इस टाइप के कार्ड को गीहून के पास देख चुके हैं और डिटेक्टिव ने भी उसे पुलिस स्टेशन में देखा था। देन बाद में पुलिस स्टेशन जाकर वो गीहून का एड्रेस ले लेता है। देन हम उस लड़की को देखते हैं जो ऑर्फनेज में अपने भाई से मिलने आई थी। चोई का कहना था वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा है, तो चोई का बहन उसे दिलासा देती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। चोई एक आदमी से मिलता है जो कि उसकी मॉम को नॉर्थ कोरिया से निकालने के लिए 40 मिलियन वन मांग रहा था। उसे सुनकर वो लड़की बहुत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उधर अली अपने काम वाली जगह पे जाकर अपने बॉस से उसका तनख्वाह मांगता है, बट उसके बॉस देने के लिए मना कर देता है। तो बहस के दौरान बॉस की हाथ एक मशीन पे लग जाता है और इसी मौके पे अली कुछ पैसे लेकर वहां से भाग के चला जाता है। अली अपने घर जाकर पैसे अपनी बीवी को देकर बोलता है कि इसे लेकर तुम घर चली जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा। उस तरफ सांगहू के मदर के पास कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं क्योंकि उसने लोन नहीं चुकाया था, और गारंटी के तौर पे सांगहू उसके मॉम और शॉप को दिया था, तो पुलिस वाले कुछ दिनों का टाइम देकर वहां से चला जाता है। देन सांगहू एक होटल में था तब उसे गेम के तौर से फिर से बुलाया जाता है, अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है। उधर गीहून एक जगह पे बियर पी रहा था और उसके पास वही गेम वाला वोल्टमैन आता है जो शॉप में कुछ खरीदने आया था। देन बातें करते करते वो वोल्टमैन बोलता है कि उसे गेम में वापस जाना है क्योंकि उसके हिसाब से बाहरी की दुनिया ज़्यादा ख़राब है, इससे अच्छा तो वो गेम में जाना है। देन गीहून अपनी एक्स वाइफ के पास जाकर पैसे मांगता है, बट वो मना कर देती है।
तभी उसकी एक्स वाइफ की हस्बैंड और बेटी आ जाती है। बाद में एक्स वाइफ की हस्बैंड आकर गी हुन को कुछ पैसे देता है और बोलता है कभी भी उसकी बेटी के मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर बहुत गुस्सा होकर गी हुन पैसे ना लेकर वहाँ से चला जाता है। तो गी हुन जब घर जा रहा था, उसे वो डिटेक्टिव मिलता है जो कि गेम और अपने भाई के बारे में बोलता है, बट गी हुन कुछ भी नहीं बोलता। दिन घर में उसे फिर से उस गेम में कार्ड के थ्रू बुलाया जाता है और कोई चारा नहीं था, इसीलिए सभी गेम में वापस जाते हैं जहां वो कार उन लोगों को लेने आता है, जहां उसके पीछा करते हुए अब डिटेक्टिव भी आ जाते हैं। उधर वो लड़की अपनी मुंह को कवर करके उसे बेहोश होने वाली गैस से खुद को बचा लिया था। और बस इसी के साथ साथ एपिसोड 2 भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 के शुरू में सारे प्लेयर्स को स्क्विड गेम के जगह एक आइलैंड में ले जाते हैं। उधर डिटेक्टिव भी आकर एक वर्कर को मार के उसके कपड़े पहन लेता है, देन उसे अपना कपड़ा पहना के अपना आईडी उस पर रख के पानी में फेंक देता है। देन अंदर सभी प्लेयर्स के कपड़े चेंज करते हैं, बट तभी वो लड़की जो बेहोश नहीं हुई थी वो नाइफ छुपा कर अपने साथ अंदर ले जाती है। देन जब सभी को होश आता है तभी सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक टीम बनाने लगता है। देन गी हुन उस ओल्ड मैन को देखकर कहता है कि उसे सुनकर ही वो वापस आया है। उधर आली सैंगहू उनके साथ थे। उधर फ्रंट मैन अदर मार्क्समैन को ऑर्डर देते हैं कि जो लोग इस गेम में वापस नहीं आए थे उन पर नज़र रखा जाए। देन सभी एक साथ खाना खाते हैं और वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये सभी गेम वो उनको दिया जाता है, सबको उसने बचपन में खेला था, और सभी ने इस बात को एग्री करता है। देन रात में एक प्लेयर बाथरूम जाती है और उसके साथ वो लड़की भी आती है। देन दोनों वॉशरूम में जाने के बाद वो लड़की एसी डेक में होते हुए चेक करती है, जहाँ वो देखती है एक किचन में बहुत सारे शुगर को मेल्ट किया जा रहा था। उधर डिटेक्टिव अपने रूम में जाते हैं जहां एक कैमरा से उस सब के ऊपर भी नजर रखा जा रहा था। देन वो सब बातों को फोन में लिखता है जो जो आज हुआ है उसके साथ। नेक्स्ट डे सेकेंड गेम की अनाउंसमेंट के साथ साथ सभी को खाना दिया जाता है। तभी हम एक प्लेयर को देखते हैं जिसके ब्रेड्स के अंदर कुछ लिखा हुआ था। देन सभी को गेम के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां सभी को चार अलग अलग शेप को देखते हैं। तो सैंगहू को उस लड़की के ऊपर शक हुआ था, इसलिए पूछने पर उस लड़की ने भी जो जो देखा था वो बोल दिया। बट जब गी हुन उसे पूछता है कि क्या होने वाला है, क्या तुम्हें कुछ पता है, तब सैंगहू उसे बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। तो सभी अलग अलग शेप चुनता है, देन सभी को उनके चुने हुए शेप के हिसाब से ही एक डिश के अंदर शुगर कैंडी मिलती है। तो गेम में डिश के अंदर जो जो शेप बनी थी उसे बिना तोड़े बाहर ले आना था, और फेल होने पे तो हमें पता ही है कि क्या होता है। देन गेम शुरू हो जाती है और जिनके पास ट्रायंगल शेप था वो तो बहुत आसानी से गेम को ख़त्म कर देता है, बट मुश्किल जो शेप था जैसे कि अम्ब्रेला सर्कल, उसे गलती हो जाती है और सजा के तौर पे उसे मार दिया जाता है। उधर एक प्लेयर लाइटर छुपा के ले आई थी तो चीटिंग करके गेम को ख़त्म करती है, और वो लड़की उस गुंडे आदमी को भी वो लाइटर दे देती है जिसे वो भी अपना गेम कंप्लीट करता है। उधर गी हुन बहुत परेशान था और उसके पास एक आइडिया आता है। वो अपने कैंडी को लीक करके उस शेप को बाहर निकालता है। उधर जो जो ने कंप्लीट कर दिया सभी चले जाते हैं और जो फेल हो गया उस सभी को शूट कर देते हैं। बट उसी दौरान एक प्लेयर एक मार्क्समैन लीडर को पकड़ लेता है और उसे चेहरे से मार्क्स हटाने बोलता है। देन वो मार्क्स हटाता है। उसकी एज बहुत ही कम था, उसे देखकर वो आदमी खुद को ही शूट कर लेता है। देन तभी फ्रंटमैन वहां आकर उसे भी मार देते हैं, क्योंकि वहां किसी को भी फेस दिखाना अलाउड नहीं था।
तो यहाँ तीन टाइप के मार्क्स थे, ब्लैक मार्क्स वाला उन सभी का लीडर और स्क्वायर शेप वाले ट्रायंगल के बॉस थे। और इसी के साथ साथ ही थर्ड एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूँगी स्क्विड गेम पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।